आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सत्ता पक्ष के नेता अधिकारी तीर्थ ब्राह्मण परिवार के साथ कर रहा सौतेला व्यवहार से परिवार में आक्रोश। ममलेश्वर प्रांगण में पूजन की नहीं दी जा रही अनुमति। सावन महीना आधा बीत गया, ओमकारेश्वर में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है। ओमकारेश्वर निवासरत तीर्थ पंडा पुजारी ब्राह्मण परिवार की जीविका पूजन पाठ पर निर्भर है। सावन के पवित्र महीने में भी भारतीय पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की मनमानी के चलते ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण परिवार को पूजन पाठ और बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने से ब्राह्मण परिवार आक्रोशित है। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पंडित नवल किशोर शर्मा ने बताया कि ममलेश्वर मंदिर प्रांगण में बैठने पूजन करने की अनुमति के लिए सावन से पहले प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, मानधाता विधायक नारायण पटेल, एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, कलेक्टर खंडवा, भारतीय पुरातत्व के अधिकारियों को आवेदन निवेदन करने के बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। पंडितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्राह्मण परिवार अन्य दूसरे मंदिरों में बैठकर अपना कर्म और जजमान के पूजन पाठ कर रहे हैं। ममलेश्वर पुजारी दुल्हे सिंह ने कहा, कलेक्टर खंडवा को प्रभारी मंत्री ने मोबाइल लगाया, जिसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। लॉकडाउन की मार झेल रहे समस्त ब्राह्मण लोग इतने पीड़ित और प्रताड़ित हैं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो प्रांगण खुला हुआ है वहां का पुरातत्व विभाग और ममलेश्वर मंदिर वाले उस चैनल को गेट को नहीं खोल रहे हैं, जहां ब्राह्मण लोग अभिषेक पूजन पार्थेश्वर पूजा करके अपने परिवार को पालते थे। प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री, विधायक, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, पुरातत्व विभाग वालों से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, मौखिक रूप से फोन के ऊपर प्रार्थना कर चुके हैं। हमारे ओंकारेश्वर के ब्राह्मण लोग बहुत परेशान हैं आज की तारीख में, वो ममलेश्वर का वो वहाँ पूजन पाठ पर जो रोक लगा रखी है।